उत्तराखंड में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज उत्तराखंड में कोरोना के 807 नए मामले सामने आए हैं, जिससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 25,000 के पार हो गई है। वहीं आज उत्तराखंड में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार आज देहरादून में 241, नैनीताल में 142, हरिद्वार में 73, पौड़ी गढ़वाल में 84, उधमसिंह नगर में 118, उत्तरकाशी में 35, टिहरी में 41, रुद्रप्रयाग में 15, पिथौरागढ़ में 7, चंपावत में 10, चमोली में 12, बागेश्वर में 7 और अल्मोड़ा में 13 कोरोना के मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 25,436 हो गई है। वहीं 17,046 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 7,965 केस एक्टिव हैं। वहीं मौत का आंकड़ा बढ़कर के 348 हो गया है। तो देहरादून में कोरोना मरीजों की संख्या 5,617, नैनीताल में 3,429, टिहरी गढ़वाल में 1,496, हरिद्वार में 5,608, उधमसिंह नगर में 4,571, पौड़ी गढ़वाल में 860, अल्मोड़ा में 754, बागेश्वर में 317, चमोली में 428, वहीं पिथौरागढ़ में 444, रुद्रप्रयाग में 356, उत्तरकाशी में 1,139, चंपावत में 417। तो टोटल मामले 25,436 हो गए हैं। इसी के साथ खबर है, हर जनपद में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। रामनगर में एक युवक की मौत हो गई है। तो प्रदेश के अलग अलग जनपदों में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बीते देर शाम रामनगर में 22 वर्षीय युवक की सुशीला तिवारी अस्पताल में कोरोना से मौत हो गई। वहीं थराली में एक पिता पुत्र की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। खबर आई हरिद्वार से, जहां पे आम आदमी पार्टी का अभियान, घर घर बांटे पल्स ऑक्सीमीटर। तो हरिद्वार में आम आदमी पार्टी ने आपका स्वास्थ्य हमारा संकल्प अभियान के तहत घर घर जाकर पल्स ऑक्सीमीटर बांटे। इस दौरान आम आदमी पार्टी की जिला अध्यक्ष हेमा भंडारी ने प्रदेश की हालत खराब बताई है। खबर आई है जसपुर से, जहाँ पर फर्जी RTO बंद करते थे वसूली, पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है। तो जसपुर में फर्जी RTO बनकर के वाहनों चालकों से पैसे वसूलने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में से एक आरोपी पूर्व में SPO रह चुका है। इसी के साथ खबर आई है दिव्यांग के मुख्यमंत्री से गुहार, रोजगार के लिए निकाले भर्तियां। तो नंदा देवी निर्धन दिव्यांग कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से रोजगार देने के लिए भर्तियां निकालने की गुहार लगाई है। देहरादून से खबर आई है, जहां पर देहरादून में इस महीने शुरू होगा 65,000 LED लगाने का कार्य। तो देहरादून नगर निगम के नए वार्ड में 65,000 LED लगाने का कार्य शुरू होने वाला है। वहीं खबर आई है ब्लैकमेल दुष्कर्म केस, आरोपित महिला पर लगे गवाह को धमकाने के आरोप, MLA की पत्नी ने की शिकायत। तो बीजेपी विधायक महेश नेगी यौन शोषण मामले में रोज नया मोड़ आता जा रहा है। दोनों पक्ष की तरफ से इस मामले में एक दूसरे के खिलाफ पुलिस से शिकायत की जा रही है, जिससे यह केस उलझता चला जा रहा है।